हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। एक बार फिर से गणित विषय के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणित विषय में ये हमारा साधारण ब्याज का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करना बताया, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हल कराया था। इस पार्ट में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, साधारण ब्याज के कुछ और नए फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल आपको दिखने में तो लगेगा कि हो सकता है ये थोड़ा सा टफ हो। आप पढ़िए पहले, 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 15 जुलाई 1999 से 26 सितंबर 1999 तक का साधारण ब्याज बताना है आपको, ठीक है। तो अब प्रथम दृष्टया तो ये काफ़ी टफ सवाल लगता है, लेकिन है बहुत ही आसान। हमें यहाँ पे जो है दिन काउंट करना होगा, ठीक है। मूलधन तो पता है, दर पता है, समय हमारा वो अनक्लियर सा है। तो समय को हम देखिए यहाँ महीने वाइज जोड़ेंगे। अब देखिए जुलाई में कितने दिन हमें मिल रहा है, जुलाई में 15 जुलाई से पूछा है, तो पहले दिन को नहीं जोड़ा जाता है। जिस दिन पैसा डिपॉजिट होता है उस दिन का ब्याज नहीं कैलकुलेट होता है, ये आपका एक नियम होता है। तो जुलाई में कितने दिन बचे, 16 दिन, क्योंकि 16 15 31, तो 16 जुलाई के 16 दिन ले लिए हमने, ठीक है। अगस्त के कितने दिन, अगस्त के तो पूरे पूरे अगस्त में कितने महीने, 31, तो 31 दिन हो गया। सितंबर के पूरे पूरे 26 दिन, ठीक है, ये आपके, तो ये हमने दिन को कर लिया ऐड। हमें दिन यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्लियर अलग से नहीं दिया गया है, वो सन में दे दिया है, तो हमने कर लिया। अब से जोड़िए, 6 6 12 1 13, ये आ गया, और 3 2 5 1 6 7, 73 days, इतने दिनों का आपको साधारण ब्याज काउंट करना होगा। अब मैंने पहले पार्ट में बताया था कि अगर जो समय है वो दिन में दिया रहे, तो जब सूत्र में हम इसे रखेंगे तो दिन को हमें वर्ष में बदलना होगा और उसके बटे में 365 करना होगा, यानी कि 73/365 वर्ष, यानी कि इसे हमने वर्ष में कन्वर्ट कर देना जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे सीधे ही फार्मूला लगा देते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना है, 800, मूलधन 8,000, मूलधन गुणे दर कितना है 4, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना है 73/365, ठीक है, ये आप करेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, और बटे में 100 हो गया आपका ये पूरा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला। अब क्या करिएगा आप, 5 से इसको और इसको काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 6 = 30, ठीक है, ये हो गया। 2 0 पहले इसको काट सकते थे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब यहाँ इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15, तो ये आपका 73 आ गया, तो ये 73 से 73 आपका कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, 16 × 4, तो 16 × 4 = 64, तो ये आपका आंसर आ गया, 64 रुपये आएगा। क्या टफ था, सिर्फ दिन कैलकुलेट करना है, दिन आपको जोड़ लेना है, 15 जुलाई से 16 सितंबर तक कितने दिन हुए ये हमने ज्ञात किया, तो हमें मिला 73 days, 73 दिन। अब जब दिन रहेगा तो उसे हम वर्ष में बदलेंगे, तो बटे में 365 किया जाता है, अगर महीने रहता है तो बटे में 12 किया जाता है, ये हमने पहले भी बताया था। तो इतनी छोटी सी कैलकुलेशन थी, तो फिर उसके बाद ब्याज का सूत्र रख दिया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सरल कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 64 रुपये। तो ये आपका आंसर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरह के एक आध सवाल मिलेंगे तो बहुत ही इत्मीनान से आप इनका जो है दिन कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर उसको हल कर लीजिएगा। देखिए दूसरा सवाल अब नए सूत्र की तरफ ले जा रहा है, कह रहे किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, 3 वर्षों में ब्याज की राशि 864 रुपये हो जाती है, तो धन बताइए, यानी हमें मूलधन याद करना है। अब देखिए यहाँ पे दर का मान दिया है, दर कितना है 8% दिया है, और क्या दिया है यहाँ पे, समय दिया है, समय कितना है, समय दिया है 3 वर्ष दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया है, ब्याज दिया है, यानी कि
साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज कितना दिया है, 864 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, धन, धन का मतलब मूलधन। आप सूत्र लगा दीजिए, आपको मैंने बताया था मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100, बटे में क्या रहेगा, दर गुणे समय। ठीक है, हमने आपको पहले ही पार्ट में ये सूत्र बताया था। अब सारी चीज़ें हैं, मान रख दीजिए ब्याज का मान कितना है, 864 रुपये गुणे 100, दर का मान कितना है 8, और समय का मान कितना है 3। इसी को सिंपलीफाई कर लेना है, आप काट दीजिए, देखिए कट जाएगा ये 8 एकम 8, इसके बाद यहाँ पे शून्य लगाना पड़ेगा, फिर 8 अठाई 64, तो ये आपका आ गया 108। ये आपका कट गया 8 एकम 8, फिर शून्य बार, फिर 28 64। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 आई 9 और 3 6 के 18। ठीक है, 36 गुणे 100 यानी कितना आ गया, ये आ गया 3600। तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उसको हल करना, सरल करना, कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। जो दिया गया है उसे रख करके इत्मीनान से हल करिए, काटिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक सवाल इस टाइप का पूछ लेता है कि मूलधन आपसे पूछ लेगा, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये होता है। और हमारे पास सारी चीज़ें दी गई, हमने उसको रख दिया, आंसर आ गया। आगे के सवाल देखिए ज़रा भाई, आगे के सवाल में भी हमें कुछ चीज़ों को ऐसे लगाना होगा। आगे इन्होंने कहा है कि 6000 रुपये है और धनराशि है का, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 1920 है, तो दर बताना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही, इस बार मूलधन दे रखा है, मूलधन का मान कितना है, ये है 6000, और सॉरी समय दे रखा है 4 वर्ष, और ब्याज दे रखा है कितना, 1920 रुपये। तो आपको बताना है दर, तो दर का फॉर्मूला लगाइए इस बार। दर बराबर वही होता है, क्या होता है, ब्याज गुणे 100, तो ऊपर रहेगा ही। अब जब दर यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा, मूलधन और गुणे समय। कुल मिला के ये है कि जितनी जानकारी दी गई है उतना, भाई तीन चीज़ें दी गई हैं, तीन चीज़ हमें चाहिए, ये तो 100 सब में है, 1 2 3, और तीनों दिया गया है। ब्याज का मान है 1920 गुणे 100, मूलधन कितना दिया है 6000, ये हो गया मूलधन, गुणे समय, समय कितना दिया है 4 वर्ष, तो हमने रख दिया 4। अब इसी को फास्ट कैलकुलेट करिए, शून्य से शून्य हटा दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, ये हमारा हो गया। अब इसको आप 4 से काटिए, 6 से काटिए, 6 से काट के देखिए, 6 3 18, 1 19 12 हो गया, 6 2 12, तो काटने पे आ गया, 6 से काटने पे 32 आ गया, 4 से काटेंगे कट जाएगा, 4 8 32, तो 8 यानी कितना आ गया, 8%। दर को हमेशा परसेंट में दिखाते हैं, दर को हमेशा प्रतिशत में दिखाते हैं, तो आंसर है 8%, 8% आंसर आएगा। सीधे फार्मूले पे बेस्ड है, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। ऐसे ही अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल जो है, चौथे सवाल को भी हम कर लेते हैं अब यहाँ पे। यहाँ पे 4000 की धनराशि है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष, अब यहाँ पे समय पूछा, तो सीधे हम फार्मूला लगा देते हैं, समय बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे वही, क्या बचेगा यहाँ पे, मूलधन बच जाएगा, मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो ब्याज का मान देखिए इसमें कितना दिया है, ब्याज दिया है 800, तो हमने रख दिया यहाँ पे 800 गुणे 100। अब मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 4000, तो हमने रख दिया यहाँ पे 4000, और दर का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ रख दिया हमने 5। अब इसी को हल कर लेते हैं, ओके, 3 0 है तो 2 इसका, 1 इसका, हमने ख़त्म कर दिया। अब ये 4 दूनी हो गया 8, और ये 5 दूनी हो गया 10, तो 2 गुणे 2 यानी कितना आ गया, 4, 4 क्या है, वर्ष, क्योंकि यहाँ समय आपसे पूछा है। तो कुछ भी कठिन नहीं होता है, आपको फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। ऐसे ही अगला सवाल भी, पांचवा सवाल देखिए, पांचवे सवाल में भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। इन्होंने कहा कि रवि ने साधना से 5000 रुपये उधार लिया, 2 वर्ष बाद साधना को 400 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, तो
साधारण ब्याज की दर क्या है। भैया इन्होंने दर आपसे पूछा, दर तो दर का फार्मूला लगाइए, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे में क्या आएगा, दो चीज़ें बची, एक तो मूलधन और क्या रहता है समय। अब देखिए जो अधिक प्राप्त हुआ वही तो ब्याज होगा भाई, 5,000 रुपये इन्होंने उधार लिया था और जब साधना को वापस किया तो 400 रुपये साधना को अधिक प्राप्त हुए, वो अधिक क्या है, वो है ब्याज। तो ब्याज का मान यहाँ कितना है, 400 है गुणे 100, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, सॉरी, मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन का मान है 5,000, ये आपका है 5,000। ये दरअसल यहाँ पे आपका सवाल में 800 रुपये है, ठीक है, इसको अभी मेंट कर देते हैं, 800 है ये, इसको सही कर लीजिए आप, सवाल में ये दरअसल गलत लिख गया है, 800 यानी कि 800 अतिरिक्त प्राप्त हुआ, तो 800 ये आपका हो गया ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन बटे कितना, आपका समय कितना है, समय है आपका 2 वर्ष, तो हमने यहाँ कर दिया 2। अब इसको आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दीजिए, तो आपका हो गया 3, 2 और 1 3, ठीक। अब इसको आप 5 से काटेंगे कट जाएगा, काटिए, तो ये हो गया 5 एकम 5 और फिर 5 छक्का 30, ये हो गया, और 2 से काट देंगे इसको तो आप आ जाए कितना 8, तो फिर से कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल रहते हैं, हमें सिर्फ फार्मूला लगाना रहता है, सूत्र लगाना रहता है, सूत्र पता होना ज़रूरी है, सूत्र पता रहेगा फार्मूला पता रहेगा तो सिंपल सी कैलकुलेशन, बहुत आसान सी कैलकुलेशन होती जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो सिंपल सिंपल सवाल फार्मूले बेस्ड सवाल थे, इसके बाद के वीडियो में थोड़ा सा जो घुमा के क्वेश्चन पूछता है साधारण ब्याज के कठिन सवालों को हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। ये कठिन नहीं है, ये सरल सवाल हैं, इनमें फॉर्मूला रख करके सिंप्लीफाई करना होता है और पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इनका अभ्यास भी कर लें और सूत्र आप रट लें, उसमें कोई भी डाउट ना रहे, तभी आप इस चैप्टर के आसान आसान सवालों को जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डेट श्योर आप कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी कर दें और कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।